आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर इस वक्त जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं वो मथुरा के जमुना पार इलाके की कालिंदी विहार कॉलोनी का है और ये नव विकसित कॉलोनी है। आप देख सकते हैं इसमें मकान भी बन रहे हैं और प्लॉट भी अभी हैं यहाँ पर और मकान भी काफ़ी बन गए हैं और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके विशेष अनुरोध पर आज हम यहाँ पर आए हैं और सबसे पहले अपनी माताओं बहनों से पूछते हैं हम जो इस गर्मी में और आज लॉकडाउन के दिन भी घर से बाहर आई हैं अपनी समस्या को कहने के लिए। जी नहीं तो यहाँ पर लाइट है, कुछ व्यवस्था नहीं है लाइट की, ना इधर सड़क सही है और ना नाली की व्यवस्था, एकदम गंदगी में रह रहे हैं हम इस समय भी लॉकडाउन में भी, तो ये जल्दी से जल्दी ये हमारी सुनवाई हो जाए। गंदगी तो है नहीं यहाँ पर, मच्छरों का प्रकोप है, मच्छर कितने काटते हैं, रात को सो भी नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने आप उत्पन्न होगी ना, जहाँ पानी का निकास होगा वहाँ गंदगी होना तो अनिवार्य। तो ये कॉलोनी जिन्होंने काटी है उन्होंने निकास नहीं दिया पानी का? जी नहीं, उन्होंने पानी का निकास नहीं दिया, इसी वजह से तो यहाँ के सारे लाइट है, परेशानी, सुबह को लाइट अंधेरा रहता है, रात को भी बिल्कुल एकदम सुनसान सी रहती है, इधर सुनसान रहती है ये कॉलोनी। और कितने घर हैं यहाँ पर? करीब करीब 50 घर हैं तकरीबन यहाँ, हाँ 50-60 तो है घर हैं, 50-60 घर हैं यहाँ पर, और 50-60 घरों में एक एक घर में 4-5 लोग तो रहते ही होंगे, है ना, तो यहाँ पर ठीक ठाक आबादी है। और क्या ये नगर निगम में आती है क्या? जी आती है, वार्ड नंबर 14 कहलाती है। जी तो आपने कभी यहाँ के पार्षद को नहीं बताया यहाँ की समस्याओं के बारे में? नहीं, मैंने पार्षद जी को तो नहीं बताया, लेकिन आज संयोग से पार्षद जी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव भी खड़े हुए हैं, उनके सामने आप भी हैं, पार्षद जी भी सुन रहे हैं, पार्षद जी तक भी हमारी बात पहुंचेगी। जी तो ये है इस कॉलोनी के अंदर, क्या कहेंगे आप जी? हम तो ये कहेंगे कि यहाँ पे पहले पूरी लाइट की व्यवस्था यहाँ थी पहले, एक बार फिर उखड़ गई, फिर बाद में ये खम्भे वम्भे गड़ गए हैं। जी अगर लाइन कहीं से कट रही होगी तो इसमें चेक करके इसमें बिजली विभाग से कह के लाइन जुड़वा देंगे यहाँ की। जी तो अब तो काम बहुत हो रहा है, पार्षद जी की तरफ से काफी काम हो रहा है, आप देख सकते हैं गांव में सभी रोड गलियां सभी बन गई हैं, नालियां बन गई हैं, नाला बन गया है, यहाँ का भी नंबर आएगा, यहाँ का भी नंबर आएगा आएगा उसी नाले और वहाँ से कुछ कह रही हैं, क्या कह रही है आएगा ये मालूम नहीं है। ये दम्बोजी की कॉलोनी बोली गई है जी, यहाँ पे दम्बोजी ने प्लॉटिंग की है जी, और यहाँ पे कम से कम 70% चतुर्वेदियों के घर है जी, और बगीचा वगैरह जो भी है यहाँ पर बेचारे, यहाँ पर चोरियां भी बहुत होती हैं, आए दिन मीटरों को भी उखाड़ ले जाते हैं, तारों को चुरा ले जाते हैं, सड़क वगैरह सब यहाँ की दुरुस्त पड़ी हुई है ना, यहाँ पे कोई प्रशासन का कोई यहाँ पे कोई राउंड रात में या दिन में कभी इस जगह पे लगता नहीं है। हमारा ये अनुरोध है यहाँ पे पुलिस वाले ड्यूटी रात को सुबह शाम 3 कम से कम राउंड कम से कम इस जगह लगाएं, और यहाँ पे नाला और लाइट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। पार्षद जी हमारे बहुत अच्छे हैं यहाँ के, पार्षद जी को इनको ये बहुत काम कर रहे हैं, पर ऊपर से जो है काम और देखना चाहिए और कॉलोनी का करना चाहिए, सब नेताओं से कह के यहाँ पे ड्यूटी पुलिस वालों की लगवानी चाहिए, बस यही अनुरोध है। मेरा नाम संजय चतुर्वेदी, आप योगेश जी आप आए हैं, आप सक्षम हैं सारे काम को करवाने में, हमारी बात प्रशासन तक पहुंचाने में, आप पहुंचाइए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेन मोटिव जो है ना वो लाइट का है, और लाइट का भी है, नाली का भी है सर, तब तो मैं नहीं समझूं, नाली का भी बहुत प्रॉब्लम है, हम बिशनगंज में रहते हैं, उधर नाली का बहुत भारी प्रॉब्लम है, आप चल करके देखिए कितना गंदगी हो रहा है, हमारे निकलने की जगह पे कितनी भैंसों गाय बांधी भी जाती है, सोच के लिए बाहर गोबर और पानी तमाम बह रहा है, आप देख सकते हैं सड़क पर चल करके सरकार, और एक भी लाइट नहीं है खम्भे पे, हमको आज 20 वर्ष हो गए जा रहते रहते 18 साल से हम यहाँ रह रहे हैं जी। शौच करने के लिए बैठ जाते हैं, अंधेरा होने के कारण इसमें किया बहुत जाए जी, सार्वजनिक शौचालय बनाया जाए यहाँ सरकार, सार्वजनिक शौचालय बनाया जाए जिसमें सारे जो है गाँव वाले बाहर के जितने भी यात्री लोग आते हैं उनके लिए सुलभ शौचालय हो, पुलिस चौकी हो, और यहाँ पे राउंड लगे पुलिस का, ये हम चाहते हैं बस।
सात महीने कर गए यहाँ पे हो गए, अभी तक मैंने एक पुलिस वाले को यहाँ पर मतलब आते हुए अभी तक नहीं देखा जी, एक बार भी नहीं आते देखा कि यहाँ से गश्त लगाते हुए देखे या मोटरसाइकिल पे आए पर भी आए, एक बार राउंड अप के लिए भी नहीं। और मेन सबसे मेन मोटिव तो लाइट का है यहाँ पे। तो जमुना पार की कालिंदी विहार कॉलोनी नवविकसित कॉलोनी, वहाँ के बाशिंदे अपनी समस्याओं को बता रहे थे और आश्वासन उनको मिला है पार्षद प्रतिनिधि का, और अब वे भरोसा भी जता रहे हैं और हमसे भी उन्हें उम्मीद है कि हम ये शासन प्रशासन तक उनकी बात रखेंगे, तो इस पर शासन प्रशासन द्वारा भी ध्यान अवश्य दिया जाएगा।